मैं बहुजन समाज पार्टी प्रदेश सचिव एडवोकेट अनिल कुमार मुंडे मीडिया से एक बड़ी बात कहने आया हूं कि हिमाचल प्रदेश का जो जंगल है, जो वन संपदा है, सरकार की आंखों के सामने जल करके राख हो गई है, खाक में मिल गई है। और वो खरबों रुपए की संपत्ति जो कि हिमाचल प्रदेश की इनकम का एक आधार था, वो सरकार की आंखों के सामने जल करके राख हो गई है, धू धू करके जंगल जल रहा है। और जंगल में हजारों जड़ी बूटियां, जीव जंतु, पशु सब इसके शिकार हो रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है और हैरानी करने वाली बात है कि हिमाचल प्रदेश के 1800 अलग अलग जगह में जंगल धू धू करके जल रहा है, परंतु हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सोई हुई है और हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है, जो सत्ता में अभी बैठी है, उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार आग को नियंत्रित करने में नाकाम रही है। बड़ी बात है कि 1800 अलग अलग जगह में हिमाचल प्रदेश में जंगल जल रहा है और वो खरबों रुपए की संपत्ति सरकार की नष्ट हो गई है, परंतु सरकार ने कोई भी सुध अभी तक नहीं ली है। हैरानी की बात है कि हमारे जिला सिरमौर तहसील सिलाई में जो इको विलेज देवथल था, वो भी वहाँ आसपास का जंगल, जड़ी बूटियां, पेड़ पौधे सब जल करके राख हो गई है। और हिमाचल प्रदेश, चाहे कांगड़ा, हमीरपुर, शिमला, रोहडू, जितने भी हिमाचल प्रदेश में जंगल है, वो सिरमौर सहित सभी जंगल जल करके नष्ट हो गए हैं। बहुजन समाज पार्टी इस बात की कड़ी आलोचना करती है कि जिस तरीके से प्रदेश में आग लग रही है और हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार चुनाव में व्यस्त है और साथ में बड़े बड़े जो कैबिनेट रैंक बांटे जा रहे हैं, ये हैरानी की बात है। और दूसरी जो बात है, हिमाचल प्रदेश में जो आम लोग है, जो ग्रामीण लोग है, जो शहरी लोग है, वो आज भी पानी के लिए तरस रहा है। आजादी के इतने सालों बाद भी प्रदेश में ऐसी हालत, ये बड़ी शर्मनाक बात है। हिमाचल प्रदेश में 5 बड़ी नदियां बहती है और 5 बड़ी नदियां, चिनाब बहती है, रावी बहती है, यमुना बहती है, सतलुज बहती है, ब्यास बहती है, जो कि 5 अलग अलग बड़े प्रांतों की प्यास बुझा सकता है, जो बड़े बड़े प्रांतों को पाल सकता है। परंतु हिमाचल प्रदेश में इतनी बढ़िया बड़ी बड़ी नदियां बहने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। 5-5 दिन के बाद पानी आ रहा है, ये बड़ी शर्मनाक बात है। कानून व्यवस्था चरमरा गई है और वो जो हत्याएं, लूट, बलात्कार, चोरी, सब दर्जनों ये जो घटनाएं हिमाचल प्रदेश में आम जैसी हो गई है। पूरा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने जंगल राज स्थापित कर दिया है। तो इस तरीके की ये जो सरकार की नाकामी बड़ी चिंताजनक है। और सरकार को चलाने के लिए वो खरबों रुपये का हर महीने कर्ज लिया जा रहा है, जबकि ऐसा कोई भी कदम हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने नहीं उठाया जिससे हिमाचल प्रदेश को इस कर्ज से उभारा जा सके। तो बहुजन समाज पार्टी इन सभी बातों के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार को नाकाम ठहराती है और प्रदेश की कांग्रेस सरकार से ये मांग करती है कि हिमाचल प्रदेश की भू संपदा को जलने से रोका जाए, आग पर नियंत्रण किया जाए और किसी तरीके से हिमाचल प्रदेश, जो एक सुंदर प्रदेश है, उसको बनाए रखने में, ये जो प्रकृति से हमें विरासत मिली इसको बनाए रखने में प्रदेश सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए।